नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम इतिहास सीरीज के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नेहरू रिपोर्ट। तो 1928 में ये रिपोर्ट आई। इस पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक्स पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला है, संविधान निर्माण की दिशा में भारतीयों के द्वारा निर्मित प्रथम दस्तावेज कौन सा है। फिर एक आता है प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में बनी थी, ये प्रश्न बनता है। फिर साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों द्वारा किस समिति का गठन हुआ था। ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। पूरे टॉपिक को अच्छे से देखिए, समझिए। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ते समय आप नोट्स जरूर बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत हद मदद मिलेगी। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी। पहला हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि ये रिपोर्ट बनानी पड़ी। फिर इसमें ऐसी कौन कौन से घटनाक्रम हुए, क्या घटनाएं घटी जो इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने के दौरान। और लास्ट में देखेंगे कि जब ये नेहरू रिपोर्ट बन गई तो उसमें क्या प्रोविजन थे, उसके रिजल्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और लास्ट में हम इस टॉपिक की एक समरी निकालेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद कर रहे के ही रखने हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को यहाँ से बढ़ाते हैं। तो पृष्ठभूमि सबसे पहले देखते हैं कि 1919 का जो सरकार ने अधिनियम बनाया था, उस अधिनियम की 10 वर्ष के लिए जो समीक्षा होनी थी उसके लिए सरकार ने अपने साइड से साइमन कमीशन बनाया। इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। भारतीयों को कि अपमानजनक लगा, भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसी विरोध के दौरान एक व्यक्ति थे लॉर्ड बर्किनहेड, ये ब्रिटेन के भारतीय मामलों के मंत्री थे, यानी कि एक प्रकार से भारत सचिव थे। इन्होंने भारतीय लोगों को चुनौती दी कि यदि तुम कुछ कर सकते हो तो खुद का कानून बना के दिखाओ। तो एक प्रकार से चैलेंज इनको दिया कांग्रेस को। तो उस समय के जो कांग्रेस के नेतृत्व में लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक फरवरी 1928 में अपॉइंट एम अंसारी की अध्यक्षता में। इस बैठक में 29 दलों के लोग शामिल हुए और इन सब लोगों ने बैठ करके तय किया कि हम एक समिति बनाते हैं। ये समिति क्या करेगी, ऐसा कोई एक कानून या एक संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करके हमें देगी, उसके बेस पे हम अंग्रेजों को उस भारतीयों के द्वारा बने हुए कानून को लागू करने की मांग करेंगे। अब भारतीयों के द्वारा जब ये एक समिति का गठन किया गया तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई। इसको हम समिति भी कह सकते हैं और एक प्रकार से उप समिति भी कह सकते हैं, क्योंकि 29 दल तो इसमें शामिल थे। 29 के बाद उन लोगों से में से मिला करके 8 सदस्यों की समिति बनाई 1 जुलाई 1928 को। ठीक है, इसको संविधान का स्ट्रक्चर या प्रारूप बनाना था समिति को। अब समिति जब बनी तो इसमें हम देख लेते हैं मेंबर कौन कौन से थे। तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, अली इमाम इसमें एक सदस्य थे, तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एम एस अणे थे, सरदार सिंह मंगरू थे, शोएब कुरैशी और जी एस प्रधान, ये प्रमुख व्यक्ति उस पूरी समिति में 8 लोग थे। ये समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 को सौंप देती है और ये सौंपती है अपने लखनऊ के एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है, वहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो सबके द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नेहरू रिपोर्ट का, नेहरू समिति के द्वारा जो बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट। अब इस समिति ने कुछ कुछ डिसीजन लेने के पहले बहुत सारे ऐसी बैठक की है। तो दिल्ली में एक और लखनऊ में 2 जगहों पर सर्वदलीय सम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों में जो भी लोग आए उन लोगों से उनकी बात, उनके सुझाव लिए गए और उसके बेसिस पे इस समिति की रिपोर्ट को तैयार किया गया। अब रिपोर्ट तैयार करते समय ही जिन्ना जो थे वो नेहरू रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं से असहमति रख रहे थे, तो उन्होंने अपनी मांग एक अलग से रख दी कि भैया हमारी ये 14 एजेंडे की 14 पॉइंट्स उनको डिमांड कहते हैं जो कि जिन्ना के द्वारा पेश की गई। ये 14 सूत्री जो मांग जिन्ना ने रखी, इस जिन्ना की मांग को हम अलग टॉपिक में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर विषय आता है जिन्ना ने ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इस नेहरू रिपोर्ट से अपनी सहमति नहीं रखी। आगे एक और घटनाक्रम इसमें यह हुआ कि आगा खान नाम के जो एक व्यक्ति थे जो उस समय आंदोलन में प्रमुख रूप भूमिका निभाते थे, हम लोगों को याद होगा ना आगा खान पैलेस कहाँ है, याद रखना, मुझे कमेंट करके बताएं आप आगा खान पैलेस कहाँ है। ठीक है, ये आगा खान वही है जिनके नाम से वो पैलेस बना हुआ। तो राज्य का जो स्वतंत्रता की जो मांग है इन्होंने कर दी थी कि हर राज्य को इंडिपेंडेंट आप कर दो। ठीक, एक ये इनका सजेशन था। फिर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू उस समय जो काफ़ी युवा नेतृत्व के थे, कांग्रेस के भीतर में कुछ ना कुछ एक वामपंथी विचारधारा के थे, ये चाहते थे कि पूर्ण रूप से हमको स्वतंत्रता मिले, जबकि नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की वो बात नहीं कर रहे थे, वो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई यदि ये रिपोर्ट अस्वीकृत कर देता है ब्रिटिश सरकार तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। तो ये सारे इंसिडेंट हुए उस रिपोर्ट को बनाने के दौरान। अब जब रिपोर्ट बन गई तो उसके कुछ प्रोविजन होंगे, तो
तो क्या थे प्रोविजन देख लेते हैं। उसमें बोला कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ब्रिटेन के अंतर्गत एक उपनिवेशवादी राज्य के रूप में, डोमिनियन स्टेट के रूप में थे, वैसा ही दर्जा भारत को दिया जाए। दूसरा था कि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली स्थापित हो, यानी कि एक लोअर सदन हो, निम्न सदन हो, और दूसरा एक उच्च सदन हो। निम्न सदन में जिस तरीके से आज के डेट में हमारे पास निम्न सदन के रूप में लोकसभा है और उच्च सदन के रूप में राज्यसभा है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, द्विसदनात्मक प्रणाली यहाँ पर बने। एक और प्रोविजन डाला गया कि केंद्र और राज्यों में जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। क्या मतलब है इसका? कि जो केंद्र और सरकार हो और राज्य सरकार हो, ये वहाँ की पब्लिक के लिए लॉयल हो, अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो, ना कि ब्रिटिश के सम्राट के प्रति। ठीक, तो ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया। इसमें एक और प्रोविजन ये डाला गया कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है जो पाकिस्तान में आज की डेट में है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। फिर ये बोला गया कि उच्चतम न्यायालय भारत में स्थापित हो और लोक सेवा आयोग का गठन भारत में हो। ठीक, ये एक प्रोविजन इसमें डाले गए। प्रोविजन के अलावा एक पॉइंट था, सिंध को बंबई प्रांत से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाए। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिन्ना थे उनकी एक मांग थी कि सिंध प्रांत को अलग किया जाए, और उसको कंसीडर करते हुए नेहरू रिपोर्ट में इसको डाल दिया गया। एक और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जो अक्सर एग्जाम में आती है, कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में स्थान मिले। ये प्रश्न बहुत आता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की मांग सबसे पहली बार कब हुई, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। चलिए आगे देखते हैं और क्या था। अब ये जो पूरी नेहरू रिपोर्ट बन गई, इस रिपोर्ट के बाद रिजल्ट क्या निकला, क्या परिणाम हुआ? पहला ये हुआ कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के लोग अपने अपने धर्मों की बात, अपने अपने कम्युनिटीज की बात करते रहने के कारण से इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए। फिर हुआ ये कि 1928 में एक बार फिर से सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ये कह दिया हम इसको नहीं मानेंगे। और बाद में अंततः यही हुआ कि अंग्रेज शासन ने भी इसमें सबकी सहमति ना होने के कारण इसको खारिज कर दिया। अब इस पूरे रिजल्ट के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये देख लेते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद जो लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में जो दूरियां थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। हिंदू अलग अपनी तरफ खींच रहे हैं, मुस्लिम अलग खींच रहे हैं और सिख अलग खींच रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये एक सांप्रदायिक दूरी बढ़ी। और हुआ ये कि इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए रिपोर्ट बने ना बने, रिपोर्ट का कुछ इम्पैक्ट ना हो, गांधी जी ने सबको आपस में जोड़े रखने की कोशिश की और आंदोलन आगे बढ़ गया। एक और रिजल्ट ये निकला कि संविधान निर्माण की दिशा में ये भारतीयों के द्वारा पहला कदम माना जाता है, कि भारतीयों ने अपने सोच समझ के साथ में पहली बार कोई ऐसा ड्राफ्ट है जो तैयार किया है भारत के संविधान को बनाने की दिशा में। ठीक, तो इन सब परिणामों के अब इस टॉपिक की हम एक समरी देख लेते हैं, जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं, बिल्कुल याद रखिए इन्हें। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग हुई, नेहरू समिति 1928 जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, सिंध प्रांत बंबई प्रांत से अलग करने का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के दबाव में लिया गया था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, और भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण का इसको पहला दस्तावेज बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट भारत सचिव लॉर्ड बर्किन हेड की चुनौती का परिणाम है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, और नेहरू रिपोर्ट बनाने में 29 दलों ने अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करें, आपकी कोई राय है, कोई सजेशन हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं।